नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस टब के बारे में, जिसको आप सोना बाथ भी कह सकते हो, जिसको आप हॉट वाटर बाथ थेरेपी भी कह सकते हो। इसके फायदे और नुकसान को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम इसको करते कैसे हैं। हॉट वाटर बाथ थेरेपी के लिए एक पेशेंट को 40 डिग्री के तापमान वाले पानी के टब के अंदर बिठाया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जब हम इस टब में बैठते हैं, गर्म पानी है, तो क्या होता है, बॉडी से पसीना निकलता है। अब जब पसीना निकलता है तो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकलता है, क्योंकि हम अपने कुछ तरीकों से बॉडी से एक वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। हम यूरिन से बाहर निकालते हैं, पसीने से बाहर निकालते हैं, और हम स्टूल के रस्ते निकालते हैं, और हम गैसेस एक्सचेंज भी, सांस लेते जब छोड़ते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है। ये 4-5 तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी में जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जब हमने पसीना निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि जब हम पसीना निकाल रहे हैं तो पहले क्या निकल रहा है, लिक्विड। दूसरी चीज़ क्या निकलती है, वो है सॉल्ट, क्योंकि नमक हमारा जो पसीना होता है वो नमकीन होता है। तीसरी चीज़ जो आप निकालते हो वो है यूरिया, और यूरिया की वजह से ही हमारा जो पसीना होता है वो बदबूदार होता है। तो जब हमने हॉट वाटर बाथ थेरेपी ली तो बॉडी से तीन मोटी मोटी चीज़ें बाहर गई, पानी, नमक और यूरिया। अब अगर हम यूरिया की कंपैरिजन करें और यूरिन से कंपैरिजन करें, पसीने को और यूरिन के यूरिया को हम कंपेयर करें, तो हम ये देखते हैं कि अगर 10 ml हमने यूरिन लिया है और 10 ml हमने पसीना लिया, तो पसीने में 50 टाइम्स ज़्यादा यूरिया निकल रहा है, जो कि अच्छी बात है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, क्योंकि किडनी कम काम करने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल हमारा बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा था उसको हमने पसीने के रस से बाहर निकाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि पेशेंट इसको ना ट्रीटमेंट समझ बैठता है, क्या ये ट्रीटमेंट है? अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप पसीना निकाल भी रहे हो, 50 गुना ज़्यादा उसमें यूरिया भी है, पर जितनी मात्रा में आप यूरिन कर पाते हो उतनी मात्रा में आप पसीने नहीं निकाल सकते। सही बात, दिन के अंदर आप 1.5 लीटर 2 लीटर आराम से यूरिन कर लेते हो बिना किसी एफर्ट के, बट वहीं पे पसीना निकालना होगा तो 1.5-2 लीटर निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोच के देखो ज़रा एक बारी। तो अगर हम 50 टाइम ज़्यादा यूरिया कंसिडर भी कर रहे हैं बट उसकी मात्रा कम है, यूरिन में अगर यूरिया कम भी है बट उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो अगर देखिए पूरे दिन में यूरिया मैक्सिमम कहाँ से निकला, तो वो यूरिन होता है, ना कि पसीना। पहला फ़र्क आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कि अगर किडनी कम काम कर रही है, यूरिया नहीं निकल पा रहा, तो ये मेथड सही है या गलत है? तो अगर हमें सिर्फ यूरिया निकालना है, पानी निकालना है, नमक निकालना है, तो ये मेथड अच्छा है। आप गर्म पानी के टब में बैठ जाओ, 3-4 घंटे आप बैठोगे, आपकी बॉडी में से तीनों चीज़ें बाहर हो जाएंगी, अच्छी बात है। जब ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा गिरेगी, क्योंकि आप पसीना निकाल रहे हो, यूरिया बॉडी से बाहर जा रहा है, तो जो इससे होने वाले सिम्टम्स हैं उनमें भी आराम आ जाएगा। अब यूरिया से होने वाले सिम्टम्स क्या होते हैं, मुँह से बदबू आना, भूख का ना लगना, बॉडी का भारीपन बने रहना, बॉडी में पेन बने रहना। तो ये जैसे जैसे यूरिया निकलेगा आपको इन सब चीज़ों में आराम देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने से हमारी बॉडी ठीक हो रही है? तो इसका आंसर है नहीं। आपने सिर्फ यूरिया बॉडी से बाहर निकाला है पसीने निकाल कर, किडनी को इससे कोई भी आराम नहीं मिलेगा। किडनी जो खराब हो रही है वो होती रहेगी। आपकी किडनी खराब हुई क्यों थी? अपने आप तो खराब हुई नहीं थी, कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। तो उस कारण को आराम मिला इससे? तो आंसर है नहीं। किडनी मैक्सिमम केसेस में BP या शुगर से खराब होती है। ना आपकी BP ठीक हुआ, ना आपका शुगर ठीक हुआ। कुछ घंटों के लिए BP आपका डाउन हो जाता है, क्योंकि बॉडी में से पानी और नमक निकल जाता है, पर जैसे ही आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, दोबारा से आपका BP बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसका नुकसान क्या होता है कि किडनी को कॉन्टीन्यूसली नुकसान हो रहा है। अक्सर पेशेंट क्या गलती करते हैं कि जब भी वो हॉट वाटर बाथ थेरेपी लेते हैं तो अपनी BP की मेडिसिन को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि टेम्परेरी बेसिस पे मेरा जो BP है वो लो रहने लगा है। जब हम अपनी मेडिसिन छोड़ते हैं तो हम अक्सर हम क्या देखते हैं कि रात के टाइम में हमारा जो BP है वो शूट अप करना शुरू कर देता है। तो BP में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है, या तो BP बहुत हाई मिलेगा या BP बहुत लो मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि मेडिसिन को सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मेडिसिन को हम सेट नहीं कर पा रहे तो हम एक सिंगल नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं BP की, वो अचीव नहीं कर पा रहे होते। जब हम ये अचीव नहीं कर पा रहे तो क्या हो रहा है कि जैसे BP शूट अप करता है, चाहे वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए भी करे, वो जितनी देर के लिए BP आपका हाई रहेगा उतनी टाइम आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता रहेगा। और जैसे जैसे किडनी को नुकसान पहुंचेगा, किडनी की काम करने की क्षमता गिरेगी, और जैसे जैसे किडनी की काम करने की क्षमता गिरेगी वैसे वैसे क्रिएटिनिन और यूरिया और बढ़ेगा। यानी हम तो यूरिया बाहर निकाल रहे थे,
तो हमारी किडनी को सुधर जाना चाहिए था, बट वो सुधर नहीं रही, वो ख़राब हो रही है, क्योंकि इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो उनको हम गलत तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। आपको ये समझना है कि क्रिएटिनिन आपकी बॉडी से बाहर पसीने के रस से नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालने का तरीका सिर्फ एक है, वो है आपकी किडनीज, यानी आपके पेशाब के रस से ही वो बाहर निकल सकता है। अगर आप अपनी किडनी पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ हॉट वाटर बाथ थेरेपी पे डिपेंडेंट रहते हो, तो यूरिया आपका कंट्रोल में रहेगा बट क्रिएटिनिन आपका बढ़ता चला जाएगा। आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं होंगे बट आपकी ओवरऑल कंडीशन ख़राब होती चली जाएगी। अब क्रिएटिनिन जो है वो भी वेस्ट मटेरियल है, आपने यूरिया तो मैनेज कर दिया बट क्रिएटिनिन को मैनेज नहीं किया। अब इसका नुकसान क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिनिन जब भी बॉडी में बढ़ता है तो वो मांसपेशियों में ऐंठन देता है। अब आपका जो हर्ट है ना वो हर सेकेंड बीट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। अब अगर मान लो कि मैं आपके हर्ट की मसल्स में ऐंठन दे दूं तो क्या होगा, आपको महसूस तो नहीं होगा, आपको हो सकता है कि बिल्कुल कुछ भी महसूस ना हो, बट क्या होगा कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पैर की पिंडियों में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है। क्रिएटिनिन लेवल आपका 20-22 पहुँच रहा होगा बट आपको महसूस कुछ नहीं हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हमने नहीं करनी, हमने लेवल्स को बढ़ने नहीं देना, हमने किडनी को और नुकसान होने नहीं देना। तो हम बिल्कुल बेसिक्स पर जाते हैं। अब इसको अपने माइंड से निकाल दो कि आपने हॉट वाटर बाथ थेरेपी के बारे में सुना भी था। पहला काम क्या करो कि अपने बीपी शुगर को कंट्रोल में लेकर आओ। एक बार वो कंट्रोल में आ गया, आपकी आधी समस्याएं वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, अक्सर हम देखते हैं यूट्यूब पे कि लोग बता रहे हैं कि किडनी रीजनरेट करती है, बट सच्चाई वाली बात यह है कि किडनी कभी भी रीजनरेट नहीं कर पाती। किडनी से वो अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकती है। जैसे अगर कोई एक इंसान अपनी किडनी को दूसरे को दे देता है तो किडनी अगर हो गई एक आपकी, फिर भी क्रिएटिनिन लेवल यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि किडनी अपने काम करने की जो क्षमता है उसे बढ़ा लेती है, और काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो अपने साइज़ को भी बड़ा कर लेती है। तो किडनी की यही क्षमता हमने हर किडनी फेलियर में पेशेंट में इस्तेमाल करनी होती है, जिससे वो अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाए। और जैसे ही काम करने की क्षमता बढ़ती है तो क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट से मिलें, उनकी रिपोर्ट देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से ये हो पाता है। आप कब आए थे यहाँ पर? मैं आया था 3 मार्च के। 3 मार्च को? और तब क्रिएटिनिन के लेवल कितने थे? तब मेरा क्रिएटिनिन लेवल था 6.9 का मतलब होता है 7 के आसपास, और 7 के आसपास जो होता है 90% किडनी हमारी काम करना बंद कर चुकी होती है। अब आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना आ रहा है? ये 15 दिन बाद तो आ गया था 3.1। फिर अभी कितना है? फिर उसके बाद 15 दिन की मेडिसिन ली, हाँ, तो 3 पे आ गया। हाँ, अब मैं मेडिसिन मेरी चालू है, अब 3 पे रुका हुआ है, और भी डाउन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इनका अभी जो करंट लेवल है वो 3 है, और 3 पर भी हम ये मान के चलते हैं कि किडनी 50% तक अभी भी काम नहीं कर रही, बट पहले 90 से 50 हम पे आया, तो 40% की किडनी की फंक्शनिंग हमारी सुधरी है। अब आपकी किडनी ख़राब क्यों हुई वो जानना भी इम्पॉर्टेंट है। किडनी इनकी ख़राब हुई थी डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं जब हमारी किडनी डायबिटीज़ से ख़राब हो रही होती है। आपको आराम क्यों आया अब वो जानना ज़रूरी है। आपको आराम इसलिए आया क्योंकि हमने आपके डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया। जब एक बार शुगर कंट्रोल में आने शुरू हुई तो किडनी के पास अब बहाना नहीं था और ख़राब होने का डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने मेडिसिन दी तो लेवल्स आपके डाउन होने शुरू हुए। अभी आपने कहा कि मुझे उम्मीद है कि और नीचे जाएगा, और मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि और नीचे जाएगा, क्योंकि किडनी के अंदर जो हिस्सा मरा हुआ है ना वो आगे भी मरा ही रहेगा, वो जिंदा नहीं होता, वो रीजनरेट नहीं होता, बट जो हिस्सा बीमार होता है वो रिकवर हो जाता है। मतलब यानी वो जिंदा था, बीमार था, काम पर नहीं आ रहा था, वो काम पर आ गया, उसने काम उठाया, क्रिएटिनिन को डाउन कर दिया। बट कभी भी क्रिएटिनिन लेवल हम सोचे कि डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर 7 से वो 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो आपके लेवल यहाँ पर स्टेबल रहने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर ताकत बनी रहेगी तो हम सारे काम करने लायक बने रहेंगे, ठीक है। छोटी मोटी जो आप गलती करते खाने पीने में, मैंने वो ठीक करवा दी है। कोई माइंड में कुछ पूछना है आपने? नहीं, बिल्कुल सही है। खुश हो? बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। तब उस समय दिक्कत क्या होती थी? उस समय बेचैनी रहती थी। एक दिन रात को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सो लेटता था तो लेटा नहीं जाता था, फिर बैठा रहता था, सूखी खांसी आ रही, सांस फूलती, सूखी खांसी। जैसे आपके शरीर में नीचे पानी भर गया पैरों में, जब आप लेटोगे ना तो पैरों का पानी निकलता है और फेफड़ों में आ जाएगा। इसी की वजह से जब हम बैठते हैं तो हम ठीक होते हैं,
जब पेशेंट लेटता है तो उसको घुटन महसूस होती है, एंग्जाइटी होती है, खांसी छूट जाती है, तो उस वजह से पेशेंट सो नहीं पाता। पैरों में पानी कभी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पैरों में पानी भर रहा है उसको बहुत जल्दी ठीक करना पड़ता है। अगर इसको हम ठीक ना करें तो निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में अगर हमारे लंग्स खराब हो जाए तो वो वेंटिलेटर की कंडीशन पर ले जाता है और वहाँ से पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी खराब हो रही है और लंग्स खराब हो रहे हैं तो हमें लंग्स को पहले बचाना होता है, क्योंकि लंग्स बच गए तो इंसान बच जाएगा। किडनी के पास तो दो ऑप्शन है, डायलिसिस का भी ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है, लंग्स के पास ये ऑप्शन नहीं होते, तो इसलिए हमें लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी पेशेंट के पैरों में पानी भर रहा है, लेटने में सांस में घुटन हो रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लूइड को कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस वजह से पानी शरीर में भर रहा है, उसे रिजॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और क्या दिक्कत हो रही थी? और तो ये पैर सूजे हुए थे। सही है, हाँ, बिना पैरों में स्वेलिंग के फेफड़े में पानी नहीं भरेगा। सही है, ठीक है। और कोई दिक्कत उस टाइम में? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। और सही, चलो। तो आपने खुद देखा, जब हम सही रास्ते से काम करते हैं और चीज़ों को समझ के करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉट वाटर बाथ थेरेपी गलत नहीं है, बट वो उतने फ़ायदेमंद भी नहीं जितना पेशेंट उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो हॉट वाटर बाथ थेरेपी सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी रहती है जब हमें पसीना बिल्कुल भी नहीं आता, बट गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको गर्मी के मौसम में नहीं किया जाता। तो उसके फ़ायदे और नुकसान को समझते हुए हमें किसी भी थेरेपी को करना चाहिए, खुद ना करते हुए डॉक्टर की हेल्प से करें तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी के साथ मैं आपसे आज अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।